हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास एलजी का एक टीवी है, 21 इंच का एक टीवी लेके आया हूँ। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, और मेरा चैनल पर जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। दोस्तों पहले बता देता हूँ इस टीवी का प्रॉब्लम क्या आया है। दोस्तों जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा तो पावर इंडिकेटर जल जाता है। पावर इंडिकेटर जलने के बाद जो स्टैंड बाई से रिलीज होने के बाद हमारा जो पिक्चर आना चाहिए, पिक्चर तो आ रहा है, लेकिन जो पिक्चर हमारा क्लियर आना चाहिए, जो हमारा पूरी तरह से पिक्चर आना चाहिए, वो वाला हमारा पूरा पिक्चर नहीं है। देख सकते हैं हमारा क्या पिक्चर है, जो आधा पिक्चर आ रहा है और आधा पिक्चर हमारा नहीं है। मतलब दोस्तों जो वर्टिकल सेक्शन का जो सिस्टम है वो आधा काम कर रहा है और आधा काम नहीं कर रहा है। मतलब दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, इस प्रॉब्लम को रिपेयरिंग करेंगे। जो हमारा वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। देख सकते हैं हमारा तो आधा तो पिक्चर रह गया है, और आधा पिक्चर हमारा ब्लैक होकर रह गया है। जो आधा पिक्चर होना चाहिए वो आधा पिक्चर हमारा एक एक लाइन होके आ रहा है। देख सकते हैं एक ग्लो वाला एक लाइन है, और ये ग्लो वाला लाइन पे आ रहा है आधा पिक्चर, वो आधा पिक्चर बैंड हो गया है। इसलिए क्या करेंगे, पहले टीवी को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए क्या करते हैं, पहले टीवी को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा 21 इंच का जो हमारा ट्यूब है, और ये रहा इसका बेसबोर्ड, और ये रहा हमारा बेस, ये रहा हमारा योक कॉइल, ये रहा बेसबोर्ड। दोस्तों ये रहा हमारा मेन पीसीबी। आज का जो प्रॉब्लम आया है दोस्तों, ये मेन पीसीबी से ही प्रॉब्लम आया है। पहले पता होना चाहिए हमारा वर्टिकल सेक्शन कैसे काम करता है, वर्टिकल सेक्शन पे कहाँ पे प्रॉब्लम है। इसीलिए एक एक चीज़ को पहले बता देता हूँ। पहले तो दोस्तों हमारा वर्टिकल सेक्शन होता है ए वाला वर्टिकल सेक्शन हमारा आईसी लगाया हुआ है 7840 जो होता है, देख सकते हैं LA7840 का ये वाला आईसी लगाया हुआ है। ये वाला जो आईसी है ये हमारा वर्टिकल आईसी है। ये इस वर्टिकल आईसी पे आज वर्टिकल सेक्शन पे प्रॉब्लम आया है। इसीलिए अच्छी तरह से पहले देखना पड़ेगा जो हमारा पावर कैपेसिटर होता है या हमारा जो रेगुलेटर वोल्टेज का कैपेसिटर होता है, वो कैपेसिटर कोई ख़राब हो चुका है कि नहीं, पहले अच्छी तरह से देखना है। नहीं तो पता, सभी सिस्टम को चेक करेंगे, कैपेसिटर को नहीं चेक करेंगे तो हमारा कैपेसिटर ख़राब रह जाएगा, और मैं ढूंढता रह जाऊँगा कहाँ पे प्रॉब्लम रह गया है। इसीलिए क्या हुआ, अच्छी तरह से एक एक कैपेसिटर को चेक कर लेना है, उसके बाद देख लेना है हमारा वर्टिकल आईसी जो है, वर्टिकल आईसी कहाँ से जला हुआ है कि नहीं, क्योंकि वर्टिकल आईसी ज़्यादातर हमारा 90% ख़राब हो जाता है। इसीलिए आईसी तो दिख रहा है हमारा अच्छी तरह से, आईसी से ही दिख रहा है। उसके बाद एक एक चीज़ को देखेंगे कहाँ पे हमारा वर्टिकल आईसी को सप्लाई दिया गया है। एक तो दोस्तों हमारा जो ईएसटी है, ईएसटी से दो वोल्टेज आता है, एक नेगेटिव वोल्टेज एक पॉजिटिव वोल्टेज, जो +14 होता है -14 होता है। ये दोनों वोल्टेज आके ये आईसी पे जुड़ता है और आईसी को रन करता है, और आईसी को जो वर्टिकली जो पिक्चर होता है, जो ऊपर नीचे का पिक्चर होता है, वो वाला पिक्चर को बढ़ाने का काम देता है हमारा मेन आईसी। और मेन आईसी से जो फ्लिप निकलता है, वो वाला जो फ्लिप जाता है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, जो वर्टिकल का दो सिंक जाता है, जो लोकल बोर्ड होता है, लोकल पीसीबी होता है, उस पर सिंगल वर्टिकल जाता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड पीसीबी होता है जैसे एलजी सैमसंग जो भी बताइए, जो स्टैंडर्ड बैंडेड जो प्रोडक्ट होता है उस पर क्या होता है, दो वर्टिकल फ्लिप निकलता है, जो इस पर दिख रहा है आप लोगों को शायद VBVA, ये जो दिख रहा है ये दोनों हमारा पॉइंट पे हमारा वर्टिकल सिंक निकल के ये दोनों पिन से जाके हमारा मेन आईसी मेन आईसी से वर्टिकल आईसी पे आता है, जो फ्लिप वही फ्लिप काम करता है हमारा योक कॉइल पे, जो अप डाउन का पिक्चर काम करता है। इसीलिए दोस्तों हमारा वर्टिकल आईसी तो अभी तक रनिंग है, जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज भी आ रहा है, उसको चेक करवा दूंगा, लेकिन इस पे जो दोनों फ्लिप आता है, जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, उस पे एक फ्लिप हमारा ख़राब हो चुका है, क्योंकि नीचे वाला पिक्चर हमारा ओके है, ऊपर वाला पिक्चर नहीं है।
इसीलिए कि वोल्टेज को चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ पे हमारा वर्टिकल सेंस जो होता है वो वाला सेंस कहाँ पे रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है वो पता होना चाहिए। इसीलिए एक एक चीज़ को देख लेंगे। पहले क्या करेंगे, टीवी को पावर दे देते हैं। पावर देने के बाद देखेंगे हमारा जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज कहाँ कितना रहता है। दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे दिया, पावर इंडिकेटर जलने के बाद स्टैंड बाई से रिलीज भी हो गया है। उसके बाद देखते हैं ईएसटी सेक्शन। ईएसटी सेक्शन पे आप लोगों को देख सकता है शायद हमारा इस पे 14 वोल्ट प्लस और 14 वोल्ट माइनस लिखा हुआ है, और इस पे वोल्टेज जो निकलता है एक रेजिस्टेंस भाया करके हमारा ए वाला, एक डायोड करके ए वाला पॉइंट पे हमारा 14 वोल्ट प्लस आता है। देख सकते हैं हमारे मीटर पे भी 14 वोल्ट प्लस आ चुका है। और दूसरा जो पिन होता है उस पे आके ए वाला पॉइंट पे देखिए रेजिस्टेंस दिया गया है, उसके बाद एक डायोड दिया गया है, उल्टा साइड का डायोड दिया गया है, उस पे हमारा ए वाला नेगेटिव वोल्टेज बनता है जो देख सकते हैं 13.6 वोल्ट। मतलब हमारा दोनों वोल्टेज बन रहा है, ये दोनों वोल्टेज आके कनेक्ट होता है इस वाला पॉइंट पे। इस पे पॉइंट होता है हमारा 14 वोल्ट प्लस का, देख सकते 14 वोल्ट प्लस इस पॉइंट पे लिखा हुआ है, और 14 वोल्ट माइनस इस साइड पे आता है जो दोनों पिन पे हमारा वोल्टेज पहुंच रहा है। और उसके बाद वर्टिकल आउट जो होता है, ये पॉइंट देखिए वर्टिकल आउट जो हमारे ईओ कॉइल को सप्लाई दिया गया है। उसके बाद जो वर्टिकल इन पॉइंट होता है वो वाला पॉइंट आता है हमारा ए वाला वर्टिकल आईसी से, जो देख सकते हैं वी ए वी बी करके लिखा हुआ है। ये वाला दोनों पॉइंट से हमारा वर्टिकल सेंस आते आके ये दोनों रेजिस्टेंस जो जंपिंग दिया गया है एल 503 502 ये दोनों पिन पे हमारा सेंस आता है। और सेंस आने के बाद हमारा आता है वर्टिकल आईसी पे, जो देखिए एक पॉइंट पे मैं चेक करता हूँ, इस पॉइंट पे ऊपर वाला जो पॉइंट है उस पे दिख रहा है 0.5 वोल्ट, 0.5 मतलब 0.5 वोल्ट दिख रहा है। उसके बाद जो नीचे वाला पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट पे दिख रहा है 0.3। लेकिन दोस्तों ये जो दोनों पिन है, ये दोनों पिन पे हमारा सेम वोल्टेज होना चाहिए, नहीं तो हमारा वर्टिकल सेक्शन काम नहीं करेगा। मेन आईसी पे जो वर्टिकल फ्लिप होता है वो दोनों पिन पे सेम काम होना चाहिए। इस पे भी वो हमारा 0.6.5 होना चाहिए और दूसरा पिन पे भी 0.6.5 होना चाहिए, नहीं तो दोनों पिन पे काम नहीं सही तरीके से आएगा। उसके ये तो देख सकते हैं ये हमारा 0.3 दिख रहा है, 0.3 और इस पे दिख रहा है 0.5। एक इसको सही करना पड़ेगा। एक तो हमारा इस पे जो जम्पर जंपिंग दिया गया है, और जम्पर देने के बाद दोनों पीएफ दिया गया है, कहीं पे कैपेसिटर दिया गया है, वो कैपेसिटर को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे हमारा वर्टिकल आईसी साइड ख़राब हो सकता है, जो अपर साइड का जो पिक्चर होता है वो वाला पिक्चर का साइड हमारा ख़राब हो सकता है। इसीलिए एक एक चीज़ को चेक कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। ये जो हमारा फ्लिप है, ये फ्लिप को ओपन कर देंगे। ओपन कर देने के बाद देखेंगे हमारा मेन आईसी से जो फ्लिप आ रहा है वो वाला फ्लिप हमारा सही तरीके से वोल्टेज बना रहा है कि नहीं, क्योंकि मेन आईसी से भी कभी कभी हमारा फ्लिप को बंद हो जाता है। इसीलिए एक एक चीज़ को चेक करना पड़ेगा। मेन आईसी सही रहेगा तो वर्टिकल आईसी को चेक करेंगे, नहीं तो वर्टिकल आईसी सही रहेगा और मेन आईसी ख़राब रहेगा तो हमारा सिस्टम पे यही प्रॉब्लम देगा। इसीलिए एक एक वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया, हमारा जो वर्टिकल आईसी से फ्लिप निकल रहा था वो फ्लिप का जो दो पॉइंट था दोनों पिन के ही मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद क्या देखता हूँ, जो हमारे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जो वर्टिकल का फ्लिप निकलता है वो दोनों पिन पे वोल्टेज कैसे आ रहा है। देखिए ए वाला पॉइंट पे हमारा आ रहा है 5.75, पकड़ कर चलिए 6.2 दिख रहा है, कभी कभी अप डाउन कर रहा है, वो वर्टिकल सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद नीचे वाला पॉइंट पे भी देख लेते हैं, इसके भी देखिए ऐसे ही अप डाउन कर रहा है, जो 6.3 तक जा रहा है, 6.2 तक जा रहा है। मतलब दोस्तों दोनों पिन पे ही हमारा वर्टिकल सेंस अप डाउन कर रहा है और जो वोल्टेज है करीब करीब सही है। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों, इसको कनेक्ट करने के बाद ये वाला वोल्टेज नहीं दिखेगा, लेकिन इस वाला पॉइंट पे हमारा 0.6 वोल्ट तक होना चाहिए था,
दोनों पिन पे सही होना चाहिए था, नहीं तो हमारा सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसको ओपन करने के बाद हमारा मेन आईसी से जो फ्लिप निकलता है वो वाला फ्लिप सही तरीके से आ रहा है। मतलब दोस्तों हमारा वर्टिकल सेक्शन से प्रॉब्लम है, इसीलिए क्या करेंगे, हमारा वर्टिकल आईसी को वोल्टेज भी पहुँच रहा है, हमारा वर्टिकल सेक्शन से जो वर्टिकल सेक्शन को वोल्ट सेंस मिलना चाहिए वो वाला फ्लिप भी मिल रहा है जो मेन आईसी से। मतलब दोस्तों वर्टिकल आईसी सेक्शन पे कुछ प्रॉब्लम आया है, इसीलिए क्या करेंगे वर्टिकल आईसी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे नया वाला आईसी लगा के, नहीं तो इसका अंदर में जो सिस्टम रह गया है अप डाउन का सिस्टम का, जो पिक्चर को बड़ा करने का वो वाला सिस्टम शायद बैठ चुका है, इसीलिए नीचे वाला पिक्चर सही है आपका पिक्चर खराब हो गया है। इसीलिए इस आईसी को चेंज करके देखेंगे हमारा सिस्टम पे जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, नहीं तो आदर्श सेक्शन को चेक कर लेंगे जो हमारा कैपेसिटर लगाया हुआ है या रेजिस्टर लगाया हुआ है वो भी काट सकता है, इसीलिए वर्टिकल आईसी को ओपन करेंगे। दोस्तों मैंने पुराना वाला जो वर्टिकल आईसी था इसको ओपन करके मैंने नया वाला वर्टिकल आईसी लगा चुका हूँ, इसका नंबर देख सकते LA7840। मैंने एक नया वाला आईसी लगा भी चुका हूँ, इसका वही नंबर है LA7840 का। वर्टिकल आईसी लगाने के बाद इसका जो फ्लिप का जो वोल्टेज का प्रॉब्लम दे रहा था उसको चेक करेंगे। जो फ्लिप का जो प्रॉब्लम दे रहा था और जो मैंने इसको तो चेक कर लिया, मैंने इसको ओपन करने के बाद चेक करने के बाद इसको सोल्डरिंग कर लेंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट पे जो फ्लिप जाना चाहिए हमारा वर्टिकल आईसी पे वो फ्लिप नहीं आएगा तो ये वोल्टेज को सही तरीके से चेक नहीं कर पाएंगे, इसीलिए क्या करते हैं इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। दोस्तों मैंने ये दोनों पिन को सोल्डरिंग कर चुका हूँ और करने के बाद मैं टीवी को फिर से पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर जलने के बाद हमारा स्टैंड बाय से रिलीज भी हो गया है और हमारा टीवी स्टार्टिंग भी हो चुका है। और स्टार्टिंग होने के बाद एक एक चीज़ को चेक करेंगे, जैसे बता रहा था हमारा वोल्टेज तो वर्टिकल आईसी पे वोल्टेज तो पहुंच रहा था, हमारा फ्लिप तो सही था, लेकिन इस पे कनेक्ट करने के बाद हमारा फ्लिप बंद, जो वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज बंद हो गया था, जो सेंस होना चाहिए उस पे बंद हो गया था, इसलिए एक एक चीज़ को चेक कर लेंगे। जो हमारा इस वाला पॉइंट पे देखिए, इस वाला पॉइंट पे हमारा 0.5 आ रहा था, देखिए 0.5 है, और एक पॉइंट पे हमारा आ रहा था 0.3, इस वाला पॉइंट पे आ रहा था 0.3, देखिए 0.5 आ चुका है। मतलब हमारा दोनों पिन पे दोनों पिन पे देखिए ऊपर साइड पे मैं चेक कर रहा हूँ, ये ऊपर साइड पे भी हमारा 0.5 दिख रहा है और नीचे वाला जो पिन है नीचे वाला पिन पे भी हमारा 0.5 आ रहा है। मतलब दोस्तों दोनों फ्लिप हमारा सही तरीके से सेम कैटेगरी का आ रहा है और हमारा वर्टिकल आईसी पे भी जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आपको वीडियो देख आगे से घुमा के आप लोगों को पिक्चर दिखा देता हूँ, उससे पहले मैं टीवी को पीसीबी को अच्छे से कनेक्ट कर लूँगा और कनेक्ट करने के बाद बताऊँगा कैसे सॉल्व हुआ है। उससे पहले और एक बार बता देता हूँ दोस्तों, जब मैंने देखा तो हमारा जो ESC सेक्शन था, ESC सेक्शन पे जो वोल्टेज होना चाहिए वो दोनों वोल्टेज हमारा पहुँच रहा था और आप साइड का पिक्चर प्रॉब्लम था, डाउन साइड का पिक्चर हमारा सही था, इसीलिए मैंने क्या किया, मेन आईसी से जो फ्लिप निकल के आता है वो फ्लिप को अच्छी तरह से चेक किया तो पता चला एक फ्लिप पे हमारा जब कनेक्ट घुक करके रखा था उस पे दिख रहा था 0.5 और एक पॉइंट पे दिख रहा था 0.3, लेकिन दोस्तों ये दोनों फ्लिप सही तरीके से सेम फ्लिप आना चाहिए, नहीं तो हमारा वर्टिकल अप डाउन का जो पिक्चर है वो पिक्चर सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसीलिए मैंने क्या किया, ये वर्टिकल आईसी से ये पिन को मैंने शोल्डर को ओपन कर दिया, ओपन कर देने के बाद मैंने जब चेक किया हमारा फ्लिप सही तरीके से दोनों पिन पे ही आ रहा है, मतलब हमारा मेन आईसी सही है। उसके बाद ये तो वोल्टेज पहुँच रहा था, ये फ्लिप भी आ रहा था, लेकिन हमारा जो वर्टिकल आईसी था वो वर्टिकल आईसी हमारा डाउन साइड पे काम कर रहा था लेकिन अप साइड पे काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया, ये वर्टिकल आईसी को ही मैंने ओपन किया, पुराना वाला वर्टिकल आईसी को चेंज करके नया वाला वर्टिकल आईसी लगा लिया। और लगाने के बाद दोनों जो फ्लिप का जो प्रॉब्लम दे रहा था, एक पे हमारा 0.5 आ रहा था, दूसरे पे 0.3 आ रहा था, उसको मैंने जब चेक किया तो दोनों पे 0.5 सही तरीके से आ रहा है।
इसके बाद हमारा टीवी पे पिक्चर भी सही हो गया है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो मैं टीवी को आगे से घुमा के भी दिखा दूंगा। देखिए हमारा पूरी तरह से फुल पिक्चर आ चुका है, मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे से घुमा के आप लोगों को पिक्चर भी दिखा देता हूँ, नहीं तो पता नहीं चलेगा आप लोगों को। मैं पीसीबी को कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को आगे से घुमा चुका और घुमाने के बाद मैं टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद हमारा पावर से स्टैंड बाय से रिलीज भी हो जाता है। रिलीज होने के बाद देखिए हमारा टीवी पे जो आधा पिक्चर आ रहा था और आधा पिक्चर नहीं था, वो वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ है। मेरा पूरी तरह से पूरा पिक्चर आ चुका है, जो आधा पिक्चर था आधा पिक्चर नहीं था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था आधा पिक्चर का, वो हमारा वर्टिकल आईसी खराब हो गया था। जो हमारा वोल्टेज पहुंचना चाहिए वो वोल्टेज भी आ रहा था, और हमारा जो वर्टिकल का सेंस से आना चाहिए था, जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का जो पॉइंट पे सेंस आना चाहिए वो भी आ रहा था, लेकिन हमारा वर्टिकल आईसी सही तरीके से काम नहीं करने के लिए ही हमारा आधा पिक्चर था आधा पिक्चर नहीं था। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो चुका है। इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।